आप सबको स्वागत है। आज हम नए महीने में पहुंच गए हैं, 1 मार्च, और हमारी आज शुरुआत हो रही है परमात्मा के बहुत ही बेहतरीन खुशी को कैसे मेंटेन करें और इस जीवन में एंटरटेनमेंट कैसे हो हमारा, बल्कि रोमांचक जीवन कैसे हो हमारा, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है कि हम खुश भी हों और हम एंटरटेनमेंट भी फील करें। इसलिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि आज परमात्मा हमें समझा रहे हैं। परमात्मा पिता कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले, आनंद भी और मनोरंजन भी का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव, खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते, ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। अब वो करते कैसे हैं? वो देखते हैं। ये खुशी का झूला सदा एकरस तब रहेगा जब याद, मतलब कि परमात्मा से प्रेम सुख शांति आनंद खुशी ली हमने और ज्ञान लिया हमने, और फिर क्या किया, और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हो, मतलब कि हमने लिया और औरों को दिया। तो परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें जो धन देता हूं, धन कौन सा, ज्ञान रूपी धन, वो अपने भाइयों के साथ में, भाई बहनों के साथ में बांटो। अगर नहीं बांटते हो, अगर तुम अपने लिए ही रख देते हो कि हाँ मुझे मिल गया, खुशी मिल गई, मेडिटेशन से मुझे सुख मिल गया, मुझे थोड़ी सी शांति मिल गई, अब मैं किसी को क्यों दूं। तो परमात्मा कहते हैं, फिर अगर तुम नहीं देते तो तुम्हारी लिमिटेशन इतनी हो जाती, तुम इतना ही ले पाते हो। लेकिन जो बोलता है कि नहीं मैं दूं, तो उसका तो और योग लगता है, उसकी मेडिटेशन और होती है, उसकी शक्ति और मिलती है। कि परमात्मा कहता है, ये बच्चा अच्छा है, इसको मैं जो भी देता हूं ये औरों के साथ में बांट लेता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दोनों रस्सियां टाइट हों। अगर झूले पे झूलना तो क्या होना चाहिए, दोनों रस्सियां टाइट होनी चाहिए। एक रस्सी अभी टाइट है योग की, अच्छा हाँ मेडिटेशन अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन आपने किसी को दिया ही नहीं, सेवा नहीं करी, तो आस्ते आस्ते मेडिटेशन भी आपकी हल्की होनी शुरू हो जाएगी और दोनों रस्सियां ढीली 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 होकर दोनों के दोनों आराम करेंगे। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हों तो क्या होगा, मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। कैसा मनोरंजन, ये मुख्य चीज समझने वाली ये है कि हमने मेडिटेशन तो करी, लेकिन जब हम औरों को, हम जब ज्ञान देते हैं या औरों को खुशियां देते हैं या औरों को वरदान के द्वारा जो हमें विजडम मिल रही है उसको शेयर करते हैं ताकि औरों के दुख दूर हो जाए, हमारे आसपास लोगों के दुख दूर हो जाए, तो हम विजडम वाले बन जाते हैं, हमारे अंदर विवेक बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि आपने किसी की मदद करी, अगर एक डॉक्टर हो, डॉक्टर ने 10 मरीजों को ठीक कर दिया नॉलेज से, तो उसका कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। वैसे हम आत्माएं भी क्या हैं, हम ब्राह्मण आत्मा भी क्या हैं, आत्माओं के डॉक्टर हैं। हम जितना औरों को मदद करते हैं उनके दुख से निकालने का, उतना हमारे एक्सपीरियंस बढ़ता है, उतने हम वाइज होते जाते हैं, और जितना वाइज होते जाएंगे उतना आपका मेडिटेशन भी आपका क्या होगा, अपलिफ्ट होता जाएगा। नहीं तो आप एक ही प्रकार के मेडिटेशन करते रहोगे, एक ही प्रकार से आप करते रहोगे, मतलब कि वो हो गया लो कैटेगरी का डॉक्टर, और दूसरा जो औरों को देखते जा रहा है, हेल्प करते जा रहा है, मदद करते जा रहा है, वो हो गया हाई कैटेगरी का डॉक्टर। तो अगर हमने योग भी किया, परमात्मा से शक्ति भी ली, और साथ साथ में हमने औरों को ये शक्ति और ज्ञान के द्वारा बांटा, औरों को शांति दी, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों लेवल में आगे बढ़ते जाएंगे। एक भी अगर ढीला हुआ, सिर्फ ले रहे हैं, किसी को दे रहे नहीं है, तो एक समय के बाद में क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा, एंटरटेनमेंट नहीं लगेगा, मेडिटेशन करना भी बोरिंग हो जाएगा, सेम तरीके से मेडिटेशन करना। तो परमात्मा कहते हैं, ये एक एनर्जी है, इसको फ्लो करने दो, मुझसे लो औरों को दो। फिर परमात्मा कहते हैं, सर्व शक्तिमान का हाथ हो और खुशियों का झूला हो। खुशियां कब होती है, जब हम औरों को खुश करते हैं। आपने किसी को मदद कर दी, आपने किसी को हेल्प कर दी, आपने किसी को इस विवेक, इस ज्ञान के द्वारा उसको शक्ति प्रदान कर दी, उसको शांति प्रदान कर दी, उसको सुख प्रदान कर दिया, आपने उसको तरीके बता दिए सोचने के, ताकि उसके अंदर के, मन के अंदर जो शांति है वो खत्म हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप अपने चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला रहे होगे, मतलब कि आप विजडम फैला रहे होगे। तो ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ अगर प्रकाश होगा तो आप कैसे घिरे हुए होगे, प्रकाश से। लेकिन अगर आप चारों तरफ कहीं भी आप प्रकाश नहीं बांटोगे, बोलो कि सिर्फ प्रकाश मुझे ही चाहिए, मेरे घर में लाइट हो, बाकी अंधेरे में रहे, तो वो अंधेरा किसी ना किसी दिन आपको भी आके खाएगा, क्योंकि आपको जब बाहर निकलना पड़ेगा तो आप अंधेरे को ही जूझेंगे। तो इससे चारों तरफ आप क्या करो, प्रकाश ही प्रकाश फैलाओ, मतलब इस ज्ञान को बांटो, ताकि आपके चारों तरफ भी प्रकाश हो, और आप ऐसे प्रकाश से घिरे हो, ऐसी प्रकाशवान आत्माओं से घिरे हो जो कि आपको धन्यवाद करें और आपको सहयोग करें आगे बढ़ने में जीवन में। तो ये देना देना नहीं होगा, ये लेने वाला देना हो जाएगा, क्योंकि आपने तो दिया तो है, लेकिन आपको जो सहयोग मिलेगा वो बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सबसे पहला सहयोग तो दुआएं होती हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, सर्वशक्तिमान का हाथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी।
तो वो खुश नसीब आत्मा जो कि सबको हेल्प करती जाती है, तो वो सारी आत्माएं उनको भी दुआएं देती रहती हैं। तो आप दुआ देने के लिए हैं और दुआ लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये चीज आप सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी सुना करके। आप भी आइए और इस ज्ञान का फल उठाइए। ओम शांति।